श्री बगलामुखी स्तोत्रम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत स्त्रोत्र प्राचीन दुर्लभ ग्रंथ रुद्रियामल तंत्र से उद्धृत है। इस स्तोत्र का पाठ करने से मां बगला अत्यंत प्रसन्न होती है और प्राणियों के शत्रुओं का स्तंभन, आपदाओं का नाश और सौभाग्य का एक ऐसा उदय करती है कि शत्रु स्तंभित होकर उस प्राणी को देखते ही रह जाते हैं। विनियोग। ॐ अस्य श्री बगलामुखी स्तोत्रस्य नारद ऋषिः श्री बगलामुखी देवता त्रिष्टुप छन्दः मम सन्निहितानां विरोधीनां दुष्टानां वाङ्मुखपद बुद्धिनां स्तंभनार्थे श्री महामाया बगलामुखी वर प्रसाद सिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। अंगन्यास। ओम ह्लीं अंगुष्ठाभ्याम नमः। अंगूठे का स्पर्श करें। ओम बगलामुखी तर्जनीभ्याम स्वाहा। तर्जनी का स्पर्श करें। ओम सर्व दुष्टानां मध्यमाभ्याम वशट। मध्यमा का स्पर्श करें। ओम वाचम मुखम पदम स्तंभय अनामिकाभ्याम हुम। अनामिका का स्पर्श करें। ओम जिह्वां कीलय कनिष्ठिकाभ्याम वौषट। कनिष्ठिका का स्पर्श करें। ओम बुद्धि विनाशय लीम ओम स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्याम फट। हथेली के अगले व पृष्ठ भागों का स्पर्श यानी मिलाएं। हृदयादि न्यास। ओम लीम हृदयाय नमः। हृदय का स्पर्श करें। ओम बगलामुखी शिर से स्वाहा। सिर का स्पर्श करें। ओम सर्व दुष्टानां शिखायै वशट। शिखा का स्पर्श करें। ओम वाचम मुखम पदम स्तंभय कवचाय हुम। दोनों हाथों से कवच बनाएं। ओम जिह्वां कीलय नेत्रत्रयायै वौषट। दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। ओम बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा अस्त्राय फट। तीन चुटकी वो ताली बजाएं। सर्वप्रथम विनियोग करें और हाथ में लिया हुआ जल भूमि पर छोड़ दें। तदोपरांत मंत्र का अंग न्यास करें। ध्यान। सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनं पितांशुकोल्लासिनिं हेमाभांगरुचिं शशांक मुकुटां सचंपक सग्रयुतां हस्तैर्मुद्गर पाशवज्र रसनां संब्रीभ्रतिं भूषणैः व्याप्तांगी बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तंभिनी चिंतयेत। जप मंत्र। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। स्तोत्र। मध्ये सुधाब्धि मणि मंडप रत्न वेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीत वर्णां पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगिं देवीं भजामि धृतमुद्गर वैरिजिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्यां द्विभुजां नमामि। अमृत सागर के मध्य मणि मंडप की रत्न वेदी पर एक सिंहासन पर पीत वर्णा देवी विराजमान है। उनके वस्त्राभूषण माला
सब कुछ पीत रंग के हैं। बाएं हाथ में शत्रु की जिव्या पकड़कर दाहिने हाथ में मुद्गर लेकर शत्रु पर प्रहार कर रही हैं। ऐसी मां पीतांबरा को मैं प्रणाम करता हूं। चलत कनक कुंड लो लसित चारु गंड स्थलाम लसत कनक चंपक द्युति मदिंदु मिंबा ननाम गदाहत विपक्ष काम कलित लोल जिह्वां चलाम स्मरामि बगला मुखिम विमुख वांग मनः स्तंभिनीम। चंचल स्वर्ण कुंडलों से सुसज्जित कपोलों वाली कनक व चंपा के पुष्प जैसे शरीर की कांति पूर्ण चंद्रमुखी, गदा प्रहार से शत्रुओं की हंता सुंदर चंचल जिव्या वाली, विमुखों की वाणी व मन का स्तंभन करने वाली मां बगला मुखी का मैं स्मरण करता हूं। पीयूषो ददी मध्य चारु विलसद रत्नोज्वले मंडपे तत्सिंहासन मूल पतित रिपुं प्रेतासनाध्यासिनीं स्वर्णाभां कर पीड़तारी रसनां भ्राम्यद गदां विभ्रमां यस्तवां ध्यायति यान्ति तस्य विलयं सद्योत सर्वापदः। जो साधक अमृत समुद्र के मध्य में रत्नोज्वलित मंडप रत्न जड़ित सिंहासन पर आसीन स्वर्ण आभा वाली एक हाथ से शत्रु जिव्या और दूसरे में घूमती हुई गदा धारण किए हुए प्रेतासन पर आसीन रिपुओं के शीश को झुकाने वाली आपका ध्यान करता है, उसकी सभी आपदाओं का तुरंत विलय हो जाता है अर्थात नाश हो जाता है। देवी त्वच्चरणाम्बुजार्चन कृते यह पीत पुष्पांजलिम मुद्रा वाम करे निधाय च मनन मंत्रों मनोज्ञाक्षरम पीता ध्यान परोत कुंभक वशाद बीज स्मरेत पार्थिवम तस्य मित्र मुखस्य वाचीर्दये जाड्यं भवत तत्क्षणात्। हे देवी, जो साधक आपके चरण कमलों का पीत पुष्पों की अंजलि से अर्चन करता है, मुद्रा बनाकर आपके ध्यान में तत्पर होकर कुंभक मनोहर अक्षर वाले भूमि बीज लम का स्मरण करता है, उसके अमित्रों अर्थात शत्रुओं की वाणी और हृदय में तक्षण जड़ता आ जाती है अर्थात स्तंभन हो जाता है। वादी मुकति रंकति शिति पतिर वैश्वानर शीतति क्रोधी शाम्यति दुर्जनः सुजनति शिप्रानुगः खञ्जति गर्वी खर्वति सर्वविच्च जड़ति त्वधंत्रणा यंत्रितः श्रीनित्ये बगलामुखी प्रतिदिनं कल्याणी तुभ्यं नमः। हे कल्याणी, आपके मंत्र के द्वारा मंत्रित किया हुआ वादी गुंगा छत्रपति रंक अग्नि शीतल क्रोधी शांत दुर्जन सुजन धावक लंगड़ा गर्व युक्त छोटा और सर्वज्ञ जड़ हो जाता है। अतएव हे लक्ष्मी स्वरूपा नित्य मां बगला कल्याणी, मैं आपको प्रतिदिन नमन करता हूं। मंत्रस्तावदलं विपक्ष दलने स्तोत्रं पवित्रं चते यंत्रवादी नियंत्रणं त्रिजगतां जैत्रं च चित्रं चते मातः श्री बगलेति नाम ललितं यस्यास्ति जन्तोर्मुखे त्वन्नाम स्मरेण संसदि मुखस्तंभों भवेत् वादिनां। शत्रुओं के दल के दमन के लिए आपका मंत्र ही पर्याप्त है और वैसा ही पवित्र स्तोत्र भी। वक्ताओं के नियंत्रण हेतु आपका त्रिलोक प्रसिद्ध आपका विजयशाली यंत्र भी विलक्षण है। मां श्री बगला, आपका यह ललित नाम जिस भी साधक के मुख की शोभा बढ़ाता है वो धन्य है, क्योंकि आपके नाम के स्मरण मात्र से ही वक्ताओं के मुख स्तंभित हो जाते हैं।
दुष्ट स्तंभन मुग्र विघ्न शमनम दारिद्र्य वित्रावणम भूभृत्स नमनम च यन्मृग दृशाम चेतः समाकर्षणम सौभाग्येक निकेतनम समदृशाम कारुण्य पुण्य क्षणे मृत्यो मारण माविरस्तु पुरतो मास्तव्यम वपुः। दुष्टों का स्तंभन करने वाला, उग्र विघ्नों का शमन कारक, दरिद्रता का नाश करने वाला, भूपतियों का दमन कारक, मृग जैसी चंचल चितवनों वाली के चित्त का भी आकर्षण करने वाला, सौभाग्य का एकमात्र निवास, करुणापूर्ण नेत्रों वाला, मृत्यु का भी मारण करने वाला, आपका सुंदर शरीर है माँ, मुझे दर्शन दो। मातर भंजय मद विपक्ष वदनम जिह्वां च संकीलय ब्राह्मीं यन्त्रेय दैत्य देव गिषणामुग्रां गतिं स्तंभय शत्रुं चूर्णय देवी तीक्ष्ण गतिया गौरांगी पीतांबरे विघ्नोघं बगले हर प्रणमतां कारुण्य पूर्णे क्षणे। हे गौरांगी पीतांबरे, हे देवी, मेरे शत्रुओं की वाणी को बंद कर दो, उनकी जिव्या को कील दो, ब्राह्मी मुद्रा धारण कर दैत्य और देवों की उग्र गति को स्तंभित कर दो। माँ, अपनी तीक्ष्ण गदा से मेरे शत्रुओं को चूर्ण कर दो, अपनी करुणापूर्ण दृष्टि से साधकों के विघ्न समूह को दूर कर दो। मातर भैरवी भद्रकाली विजये वाराही विश्वाश्रये श्री विद्ये समये महेशी बगले कामे शिवामे रमे मातंगी त्रिपुरे परात परतरे स्वर्गा पवर्ग प्रदे दासोहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरी त्राहि माम। हे माँ भैरवी, भद्रकाली, विजया, वाराही, भुवनेश्वरी, श्री विद्या, षोडशी, महेशी, बगला, रमा अर्थात कमला, मातंगी, सब आप ही हैं। माँ स्वर्ग और मोक्ष प्रदायिनी भी आप ही हैं। हे माँ, हे विश्वेश्वरी, करुणा करके मेरी रक्षा करो, मैं आपका दास हूँ और आपकी शरण में हूँ। त्वं विद्या परमा त्रिलोक जननी विघ्नोघ विध्वंसिनी योषाकर्षण कारिणी त्रिजगतामानंद संवर्धिनी दुष्टोच्चाटन कारिणी पशुमनः सम्मोह संदायिनी जिह्वा कीलन भैरवी विजयते ब्रह्मास्त्र विद्या परा। आप परम विधाएं, त्रिलोक जननी हैं, विघ्नों का नाश करने वाली, स्त्रियों को आकर्षित करने वाली हैं, तीनों जगतों का आनंद संवर्धन करने वाली हैं, दुष्टों का उच्चाटन करने वाली, पशु वन को सम्मोहन देने वाली, दुष्टों की जिव्या कीलन में भैरवी है और विजया प्रदान करने में परा ब्रह्मास्त्र विदा है। पीत वस्त्र वसना भरी देह प्रेत जासन निवेशित देहा फुल पुष्प रविलोचन रम्याम दैत्य जाल तहु नोज्वल भूषाम पर्यम को परिलसत विभुजाम कंबु एमनत कुंडल लोलाम वैरी निर्दल कारण रोषाम चिंतयामी बगला मृद्याब्जे। पीत वस्त्रा, शत्रु के शव पर आसन लगाए, पुष्प की तरह कोमलांगी, सूर्य की तरह नेत्रों वाली, दैत्यों के लिए उज्जवल वस्त्र धारण किए, पलंग पर शोभायमान दो हाथों वाली, वलयाकार स्वर्ण कुंडल से शोभित, बेरियों के दलन हेतु अत्यंत रोष युक्त माँ बगला का मैं हृदय कमल में ध्यान करता हूँ। यत्कृतं जप संध्यानं चिंतनं परमेश्वरी शत्रुणां स्तंभनार्थाय तद्गृहाण नमोस्तुते। हे पराम्बा, हे परमेश्वरी, हे बगले, दुष्टों के स्तंभनार्थ
आपके विषय में मैंने जपादी पूर्वक जो भी कहा है उसे आप स्वीकार करें। माँ पीताम्बरा, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जय माँ बगला मुखी।